आज है जी 2700 रोज़ गुजर गया और अब पीछे 2 रोज़ रह गए या 3 रोज़ जिन्हें बनाते हैं। तो मैंने आज जो ये वाला व्लॉग है, ये व्लॉग नंबर 27 है और 27 लोगों का चढ़ जाएगा। तो आपने इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है और इस तरह सपोर्ट करते रहना है। और सबसे ज़्यादा जो है ना, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो पहली बात है, फिर सपोर्ट तो करेंगे ना। तो इसी तरह प्यार बैठा तरह करें और यकीन आपको भी लोग अच्छे लगते होंगे, क्योंकि मालूमती भी लोग भी होते हैं और क्या कहते हैं, वैसे भी मज़ेदार खाने भी आपको दिखाता हूँ, वैसे भी आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाता हूँ। तो मिलते हैं फिर, आगे देखते हैं क्या क्या। तो आज की जो यार ये क्या रक्षा है, अच्छा जो आज की जो नेकी है ना, वो ये है कि लड़कियों की तालीम देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ना, क्योंकि जैसे मतलब बंदा एक इंसान है ना, वो मर्द है, तो उसको और तालीम देते हैं ना, वो लिखा होता है बड़ा मशहूर कौल है कि मर्द पड़ा तो एक फर्द पड़ा, औरत पड़ी तो पूरा खानदान पड़ा। तो ये जो है अल्लाह के अपने वो उधर खड़े हुए हैं, अच्छा तो ये जो है ना, ये वाला ये इनको देना चाहिए, तलीम देनी चाहिए, बराबर के हकूक होने चाहिए। और अब तो देख के लड़कियां हर कहीं आ गई हैं और लड़कियों का जितना मतलब आ गया उतना कोई नहीं है इतना हुआ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इस पर ज़रूर अमल किया करें। और कुछ लोग होते हैं जो लड़कियों को घर पर बिठाए रखते हैं कि नहीं काम नहीं करना, ये कुछ नहीं होता। मतलब आजकल तो मैं नहीं समझता कैसे करना चाहिए, लड़की को पूरा पूरा हक होना चाहिए लड़के की तरह कि वो पूरा पूरा करे जनाब, वो काम करना चाहे उसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात होनी चाहिए। अच्छा जी, तो अभी हम जा रहे हैं एक बैंक में और वो बैंक मिल नहीं रहा, जहाँ मैं रहते हुए बैंक का नहीं पता कि कहाँ पे है वो, और अभी वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर कुछ दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हम पहुँच आए हैं और अभी हम आगे जाएंगे, देखते हैं कि आज क्या खिला क्या हो रहा है, आज जाते हैं। तो निकलवा दिए यहाँ से पैसे और यहाँ से अभी आगे जाएंगे और आगे जाके देखते हैं क्या। मसला ये बन गया है कि जो हम पैसे निकलवाने आए थे, पैसे निकले ही नहीं हैं और होता है, अभी हम कोई और बैंक ढूंढने गए और देखते हैं क्या बनता है आगे। जी तो एक और बैंक में पहुँच गए हैं और यहाँ पर भी कोई पता नहीं चल रहा क्या होना है, पैसे यहाँ पर नहीं निकल रहे और अभी देखते हैं कि यहाँ से निकलते भी हैं कि नहीं निकलते, उस बैंक से भी नहीं निकले, अब इस बैंक से देखते हैं यहाँ से निकलते कि नहीं। जो बैंक हम ढूंढ रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा, तो मसला बड़ा ख़राब हुआ खड़ा है। और जहाँ से कल भी लोग एंड गया था, आज वहीं से शुरू कर रहा हूँ, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और नज़र आ रहा है कुछ कुछ, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है मज़ीद, अभी देखते हैं कि क्या क्या कर रहा है। और वो दूसरे बैंक से वापस जा रहे हैं, तो आगे जाते हैं, अब तीसरे में देखते हैं कि तीसरे में कॉल करके पूछते हैं कि उन्होंने कहाँ से निकलवाए थे पहले, अभी हमने किससे निकलवा रहे, जहाँ भी जाते हैं लिमिट एक्सपीड हो जाती है, तो अभी आगे देखते हैं आगे क्या। और मसला ये बन गया है कि जिन्होंने निकलवाए थे वो कॉल नहीं उठा रहे और हमें मिल ही नहीं रहा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है, कहाँ से निकलते हैं, कहीं से निकलते भी हैं या नहीं निकलते, लिमिट एक्सीड भी खड़ी है। दो बैंक हम छान चुके हैं, उन्होंने कहा नहीं मात्र, आगे देखते हैं आगे। अच्छा मसला ये बन गया है कि जो पहले निकलवाए गए उनको पता ही नहीं वो कहाँ से निकलवाए गए, तो अब कोई समझ नहीं आ रहा क्या करना है आगे, आगे साथ आना है। और अभी देखते हैं कि ATM का मसला बना खड़ा है, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से निकलने हैं, तो देखते हैं कि निकलते भी हैं। तो अब हम आ गए हैं जी सुनहरी में, तो सुनहरी देखते हैं कैसे, सुनहरी किस्मत जगाता है, कुछ उम्मीद जगा दी है, कुछ लग रहा है कि कुछ करेगा लड़का, कुछ करेगा नहीं बैंक कुछ करेगा, तो देखते हैं क्या निकल आए यहाँ से फाइनली, लेकिन वैसे नहीं निकाले जैसे निकालने चाहिए थे, थोड़े थोड़े करके निकाल रहा है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, तो आगे जो भी अच्छा होगा क्या होता है देखते हैं। अभी कुछ निकाले हैं, कुछ रह गए हैं, वो अब दोबारा अप्लाई करेंगे, दोबारा निकलेंगे, सारा भी लोग मेरा यहीं पर गुजर जाएगा ATM में। और लेकिन चलो ये भी आना चाहिए हैं, ATM में बताना चाहिए, तो कुछ नहीं होता, तो देखते हैं कि क्या होता है आगे, फिर लिमिट एक्सीड हुई है, लेकिन दोबारा अप्लाई करेंगे, दोबारा निकलेगा और दोबारा देखेंगे दोबारा क्या होता है। और फिर निकल आए हैं, लेकिन ये थोड़े थोड़े निकाल के निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या आ गया, वापस आ गए और निकल आए नहीं।
दो मरला बार हो चुके हैं, दो सीजन हो चुके हैं, तीसरा सीजन रह गया है, वो सीजन हो जाएगा फिर कम्प्लीट हो जाएगा और इसी तरह शायद मेरा व्लॉग भी कम्प्लीट हो जाए क्योंकि आज यही एटीएम में गुजार दिया गया क्योंकि टूट टूट के पहले दो बैंकों में, फिर तीसरे बैंक में, फिर चौथे बैंक में अब जाके निकाल रहा है बड़ी मुश्किल से और देखते हैं क्या होता है। क्या कि कार्ड फंस गया है और मशीन कार्ड नहीं वापस कर रही और भी देखते हैं क्या क्या बनता है। तो कर दिया इसने और पैसे भी निकाल लिया सारे ले लिए, अब चलते हैं हम भी और इसी तरह आगे कुछ मिलता है तो लगाते हैं, नहीं तो यही व्लॉग को इंशाल्लाह एंड कर दूंगा मैं। अच्छा जी, तो पैसे जो है वो निकलवा लिए हैं और क्योंकि आगे ईद आ रही है तो उसकी वजह से पैसे निकलवाने थे और क्योंकि बाद में रश बढ़ जाता है एटीएम पे और टाइम नहीं मिलता और वैसे बैंक जो होते हैं बंद हो जाते हैं, आगे ईद के दो दिन रह गया, तीन दिन जो भी हो गया मतलब, तो इसलिए हमने जल्दी ले लिया पैसे और यही कहना था। शॉपिंग कभी आपको दिखाऊंगा, तो आज का व्लॉग मेरे ये था कि बड़ी मुश्किल से मिले हैं बहुत फिर के बैंकों में, कोई बैंक नहीं दे रहा था, अभी से लिमिट एक्सीड हो गई है लेकिन फिर भी मिल गया। तो इसी तरह आप व्लॉग एंड करने वक्त आ गया, तो इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप बैल करा से दबाएँ और इसी तरह प्यार उसी तरह करें, सपोर्ट करते रहा करें, आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आज मेरा साइज में व्लॉग भी आ जाएगा तो तकरीबन मेरा वादा करीब होने को ही है, पूरा होने को इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो इसी तरह फिर इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।